और कुछ जो टॉपिक्स थे वो भी बताऊंगी कि हाँ ये चीजें हमने सीखी हैं। जैसे कि हम लोगों में से बहुत से लोग जो ऑफिस में पोस्टेड थे उन्हें ये पता चला कि फील्ड में भी अच्छा काम है, नहीं तो लगता था कि हम ही सारा टेक्निकल अप्रूव कर रहे हैं, वहां बस इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जो लोग फील्ड में थे वो ये समझे कि ऑफिस में भी काम होता है, नहीं तो सबको सब बाबू नजर आते हैं। तो ये सारे मिथ्स भी दूर हुए यहाँ पे। और जैसे संजीव भास्कर सर की क्लास हुई, पीके मिश्रा सर की क्लास हुई, और मतलब जितनी भी फैकल्टीज आई सब बहुत अच्छी थी। लेकिन मतलब जैसे हमने प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ी, तो सीएल वाधवा में भी हमने बहुत बार पढ़ा था, पर इतने अच्छे से समझ में नहीं आया था जो यहाँ पे समझ में आया। और जो भी शाम को हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, 10 से 5 की क्लास थोड़ा लंबी जरूर होती थी, पर टाइम कब बीत जाता था पता नहीं चलता था। बस 1 से 2 वाला थोड़ा हार्ड लगता था। ऑफिस में बैठना थोड़ा सा लगता है कि बहुत काम करके आ गए, यहाँ पे सब चीज मतलब ऑल सेट था कि बस क्लास करना है, उसके बाद हॉस्टल में जाके बस खेलना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, फिर सो जाना है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ पढ़ते ही है, मोबाइल में पढ़ते हैं, इंटरेक्शन करते थे। और जो खाली टाइम में थोड़ा बहुत मतलब 15-20 मिनट टीचर्स लेट होते थे, जो सर आके अपनी कविताएं बताते थे, पीपीएफ स्कीम बताते थे, वो भी बहुत अप्रिशिएबल है। तो बस और बाकी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो कुछ भी अच्छा सीखें तो हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, हम लोग को भी बताते रहें। जैसे हो सकता है रोटेट तो होंगे, अभी फिलहाल हो सकता है 3 महीने बाद फिर से ट्रांसफर होगा, 3 महीने बाद नहीं 3 साल बाद ट्रांसफर होगा, तो सब अपनी अपनी जगह सब आएंगे। लेकिन आप लोग जो भी सीखें टेक्निकल या फिर जो ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि कैसे किससे डील करना है या मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। और मार्गदर्शन के लिए हमारे सर लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। बस थैंक यू, शुक्रिया।